दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल कुछ तो सीखो को और लगी बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए हमारी नई वीडियोस लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नौमान और आप देख रहे हैं मेरा आपका बल्कि हम सबका कुछ तो सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस एप्लीकेशन में आपको ये बताऊंगा बल्कि ये कहना चाहूंगा आज जो एप्लीकेशन का मैं रिव्यू कर रहा हूं वो एप्लीकेशन आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए आपकी मददगार साबित हो सकती है या यूँ समझ लीजिए आपके लिए डेली वाइज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और ये एप्लीकेशन बहुत सारे लोगों को पसंद आई है, मुझे भी पसंद आई, देन मैंने वीडियो बनाई है। अदरवाइज मैं वीडियो उस वक्त तक नहीं बनाता जब तक मुझे कोई टिक्स या कोई एप्लीकेशन मुझे पसंद नहीं आती, तब तक मैं दूसरों तक शेयर नहीं करता। तो फाइनल दोस्तों आज मैं आपके लिए ये एप्लीकेशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस एप्लीकेशन में आपको बहुत कुछ मिलेगा और ये एप्लीकेशन आपको बहुत हेल्पफुल करेगी, ये हेल्प देगी आपको। तो दोस्तों जान लेते हैं इस एप्लीकेशन में ऐसा है क्या। इसके एग्जाम इस तरह से हम ले लेते हैं, आप फ़र्ज कर लीजिए दो मिनट, अगर आप किसी मुल्क किसी कंट्री किसी सिटी या किसी भी मुल्क में जाते हैं एज अ गेस्ट बन के, तो मैं समझता हूँ आपको कुछ भी नहीं पता होता उस कंट्री का उस सिटी का कि उस वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट कहाँ मिलेगी, बैंक कहाँ मिलेगा, स्कूल कहाँ मिलेगा, मेन रोड, बस अड्डा और बहुत सारी इसमें चीज़ें, जिम्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें आपको कहाँ कहाँ मिलेंगी और किस डायरेक्शन पे आपको जाना होगा। तो चलिए आपको मैं इस एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ और ये एप्लीकेशन आपको बताएगी कि आपको क्या चीज़ कब मिलेगी और किस वक्त मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले स्टोर में जाके इसे डाउनलोड कर लें, बल्कि मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इसका नाम है वर्ल्ड नियर मी, जस्ट इसको आप ओपन कर लें। जैसे मैं ओपन करता हूँ ये आपसे फाइंडिंग योर लोकेशन पूछेगा, ठीक है। मेरी लोकेशन जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास सिंपल से लोकेशन अलाउ मांगेगा, कुछ परमिशन मांगेगा तो आपको अलाउ कर देनी है, ठीक है। इसका डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं, देखें होम पे आ जाता हूँ, वर्ल्ड नियर मी, ये माय लोकेशन इसने मुझे सिलेक्ट कर ली है। अब ये बताएगा एटीएम पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे जो एटीएम पास पड़ेगा बिल्कुल ये वही बताएगा और बिल्कुल रियल है ये एप्लीकेशन, कोई फेक नहीं है। इसमें बैंक हबीब एमपीएस, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड एटीएम, जेएस बैंक, सुनहरी बैंक और बहुत सारे मुझे बैंक के एटीएम कार्ड के बारे में बता रहा है। अब मैं बैंक आके पूछ लेता हूँ इससे टैक्सी, तो मैं पहले कह रहा हूँ हमारे शहर मीरपुर खास में टैक्सी का कोई ख़ास अड्डा नहीं है, टैक्सी तो बहुत सारी चलती है लेकिन कोई ख़ास जिस तरह से कराची में है करीम टैक्सी और बहुत सारी टैक्सीज होती है यहाँ पे नहीं है। तो मैं टैक्सी पे क्लिक कर लेता हूँ, नो रिज़ल्ट फाउंड, मैंने पहले ही कहा था। बैंक में आ जाते हैं तो बैंक हमारे को बहुत सारी मिलेंगी, बीजान, दुबई, दामिर, नीब, एमसीबी और यहाँ पर बहुत सारी बैंक मिल जाती है। और आप ख़ास चीज़ यहाँ पे नोट कर देंगी, आपको बिल्कुल ये एड्रेस भी मिल रहा है, टंडो आदम मीरपुर खास रोड मीरपुर, सर सैयद रोड मीरपुर खास, और यहाँ पे आपको बाकायदा एड्रेस के साथ आपको बैंक का नाम मिल रहा है, ठीक है। और लोकेशन बताई जा रही है। बस अड्डे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिंपल चार बस अड्डे का नाम आ गया, खिपरो बस स्टेशन, ओल्ड बस स्टैंड, जरवारी, मीरपुर बस टर्मिनल। तो ये आ गए हैं आपके पास सैलून, हॉस्पिटल, पार्क, रेस्टोरेंट, होटल, जू, सिनेमा, शॉपिंग, बार और बहुत सारे आपके पास आइटम्स आ रहे हैं, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। तो सो ये एप्लीकेशन मुझे पसंद आई है और मैं यूज़ कर रहा हूँ इस एप्लीकेशन को, आप भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक और ख़ास बात क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जिस तरह से मुझे एक जगह पर जाना है, यूँ समझ लीजिए मुझे जाना है, मैं यहाँ पर बस अड्डा कर लेता हूँ, ठीक है, और मुझे जाना है टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल का मुझे डायरेक्शन मालूम करनी है तो कैसे करूँ, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे टर्मिनल के ऊपर तो आपके पास ये वर्ल्ड नियर मी का एक बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल कर सकते हैं या तो फिर आप यहाँ पे, सॉरी एडवर्टाइजिंग आ गई है, डायरेक्शन कर सकते हैं। डायरेक्शन पे जैसे जाएंगे तो आपका गूगल मैप खुल जाएगा, ठीक है। गूगल मैप खुलने के बाद आपको ये सिंपल रास्ता बता देगा आपके घर से लेकर आपके घर से लेकर ये जो टर्मिनल तक का रास्ता है ये बिल्कुल आपको बता देगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल मेरे घर से बहुत नज़दीक है, बस टर्मिनल 13 मिनट का सिर्फ सफ़र है, ठीक है, 13 मिनट कार का है और 57 मिनट पैदल है, यानी 1 घंटा पैदल चलेंगे तो पहुंच जाएंगे और 13 मिनट कार में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लगी बेल आइकन पर भी क्लिक करें हमारी नई वीडियोस लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब अल्लाह।